सुयामा में ना आज सब कुछ ब्लू हो चुका है। R3 ब्लू, R3 का जो बूथ है, R3 का जो घर है ये ब्लू, R15 V4 ब्लू, वो रहा है एक और V4 ब्लू। बट आप लोग भी कह रहे होंगे ना कि हमने तो ये वीडियो क्लिक किया था V3S देखने के लिए और वो भी ब्लू कलर में। तो दिखाते हैं आप लोगों को आज के वीडियो में R15 V3S। ये नहीं है भैया, ये रहा अपने पास R15 V3S। आज अपन लोग इस वीडियो में सब कुछ इन डिटेल बात करेंगे, क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों को ओवरऑल स्पेसिफिकेशन रहते हैं, क्या लेटेस्ट ऑन रोड प्राइसिंग है, कलर ऑप्शंस भी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना, सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में V3S से रिलेटेड सबकी चाहिए थी भाई, यही रहती है। कितनी भी M आ जाए, कितना V4 आ जाए, कितना R3 आ जाए, इसकी जो फैन फॉलोइंग है ना वो नेक्स्ट लेवल आप लोगों को पता ही है क्या आप लोगों के बीच रहता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, पहले बात कर लेते हैं कलर ऑप्शंस की। तो टोटल दो ही कलर ऑप्शन में V3S अवेलेबल रहता है, ये अपना रेसिंग ब्लू और सेकंड जो रहता है वो है अपना मैट ब्लैक। दोनों ही कलर ऑप्शन में फ्रंट मडगार्ड आपका मैट ब्लैक ही सेटअप रहने वाला है। इस टाइप से टोटल दो कलर ऑप्शन है। सीरीज़ आप लोगों को पता ही है, बेस स्टार्टिंग हो जाता है अपना V3S, फिर आ जाता है अपना V4 जो कि वहाँ पे ब्लू वाला पर लोग देख ही चुके हैं, मेजेंडा भी है, वाइट भी, और ये रहा V4 का रेड वाला। तो मिड अपना हो जाता है V4 और टॉप ऑफ द लाइन आ जाता है अपना R15M जो कि अभी के लिए अपने पास अवेलेबल नहीं है, पर अपडेट M भी हो चुका है। बट यहाँ कब अपडेट होगी भाई, तो इस चीज़ के लिए भैया यामा को टैग करना आप लोगों को रहेगा कि V3S को भी जल्दी से अपडेट करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें जो चाहिए ना वो है कलर ऑप्शन। यार दो ही कलर ऑप्शन रहते हैं, ये मैं हर वीडियो में हमेशा से कहता आया हूँ। इस बाइक को भी काफ़ी सारे अपडेट्स का नीड है, स्पेशली कलर ऑप्शन। तो इस चीज़ के लिए भैया एक थम्सअप ज़रूर से छोड़ देना कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री करते हो तो। राइड रिव्यू ऑलरेडी अपलोडेड है अपने चैनल पे V3S का, जो कि आप लोग चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। सो ऑन रोड जयपुर बाइक आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है 2.08, 2,08,000 ऑन रोड जयपुर आपकी प्राइसिंग रहेगी V3S की। अब सीरीज़ के अकॉर्डिंग चेंज रहेगा ही, V4 अलग प्राइस रहेगा, M टॉप ऑफ द लेन हो जाता है, M की लगभग प्राइस रहती है 2.40। सो 2,08,000 और 2,40,000 ये आपका प्राइस ब्रैकेट रहने वाला है सीरीज़ का। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, तो फ्रंट में यहाँ पे आ जाता है अपना नंबर प्लेट होल्डर जो कि आपका रहेगा फ्रंट हेड पे। इस टाइप से रियर व्यू मिरर है जो कि अभी फोल्डेड पोजीशन पे है, ये आपका सेम ही रहेगा। R3 पे भी इसी टाइप का है, V4 पे भी सेम ही रहेगा। इस टाइप से वाइजर आ जाता है, काफ़ी सारे ऑप्शन आप लोगों को पता ही है R15 सीरीज़ के, MT के, आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ में अवेलेबल रहते हैं, और स्पेशली भैया एरोक्स के यहाँ तो एंड हो जाता है ना। इसमें जितनी एसेसरीज़ है ना उसकी R15 में भी इतनी एसेसरीज़ अवेलेबल नहीं रहती। गाड़ी के साथ जो आपको मिलेगा ये सेमी डार्क वाला है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, हल्का सा स्मोक्ड है जो कि काफ़ी अच्छा लुक को भी इनहेंस कर देता है। स्टिकरिंग फ्रंट हेड पे R15S आ जाता है, LED में हेड लैम्प सेटअप है और कॉम्बिनेशन हेलोजन का उसके साथ रहेगा। इस टाइप से कुछ की है ना रेगुलर जगह पे, क्लिप ऑन हैंडल बार है, ये आपका रेगुलर पैटर्न जैसे कि यामा की सभी बाइक्स पे, FZ वगैरह पे भी यही की मिल जाता है। MID ऑन करते हैं, MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से जिस पे कि अपन लोग आगे चल के आते हैं। इग्निशन ऑन हो चुका है इग्निशन के साथ, इस टाइप से साइड कंपार्टमेंट आपका ना हेडलैम्प का ऑन रहेगा। LED मोर इंडिकेटर भी अपना ऑन है। हजार्ड यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहता जो कि V4 से हजार्ड भी स्टार्ट हो जाता है। सेंटर में आ जाता है एक अपना फेक एयर वेंट वाला लुक, ये सिर्फ लुक प्रोवाइड करने के लिए है, वर्किंग ये आपको मिलता है R3 में। और V4 में इस जगह पे आ जाता है अपना प्रोजेक्टर अभी हेडलैम्प का थ्रू, आगे चल के अपन लोग देखते हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है, प्लस रेडिएटर भी यहाँ से आप लोगों को विजिबल रहेगा, काफ़ी अच्छा इनफ साइज़ मिल जाता है। इस पर गार्ड इंस्टॉल करवाना आपको रहना रहेगा बाइक लेते ही, जब से ज़रूरी एसेसरीज ना आपकी यही हो जाती है। सस्पेंशन का ट्रेवल और थिकनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फ्रंट मडगार्ड कुछ इस टाइप से मैट ब्लैक, दोनों ही कलर ऑप्शन में ये रहेगा। अलॉयज इस पर्टिकुलर कलर ऑप्शन के साथ ये ग्लॉसी ब्लैक ही है, और अदर कलर जो अपना है ना मैट ब्लैक वाला वहाँ पर भी सेम आपका ग्लॉसी ब्लैक ही सेटअप ये रहेगा। बट V4 सीरीज़ में ना अलॉयज भी कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, तो ये भी एक्स्ट्रा परचेज आप लोग शोरूम से अलॉयज कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग अपने कलेक्शन के तौर पर इस चीज़ को रख सकते हो। फ्रंट टायर की ग्रेडिंग है 180/17 सेक्शन का फ्रंट MRF ट्यूबलेस टायर ये मिल जाता है। टायर का पैटर्न ये रहा, अलॉयज अपने हो ही चुके हैं। अब आ जाते हैं अपोजिट साइड पे, ब्रेकिंग सेटअप कवर करते हैं। सो ब्रेकिंग सेम R15 सीरीज़ पे रहेगा,
बस एक ट्रैक्शन कंट्रोल का डिफरेंस आ जाता है जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता। सेम ही ब्रेकिंग का सेटअप आपको FZ सीरीज़ पे भी रहता है। 282 mm का फ्रंट में डिस्क है, वाइब्रो ब्रेकिंग के साथ ड्यूल चैनल ABS भी यहाँ पे मिल जाता है, और इस टाइप से अपना ब्रेकिंग मैकेनिज्म वाइब्रो ब्रेकिंग ये रहेगा। स्टीयरिंग साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो VVA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, ABS का छोटा स्टिकर है, R15S वर्जन 3 एक यहाँ जाता है, और अंडर वैली पे है यामा। सीट हाइट की बात करते हैं तो 815 mm का टोटल सीट हाइट है, 815 mm का टोटल सीट हाइट है। बाइक का टोटल वेट है 141 kg, ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे रहेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी टोटल 11 लीटर, 11 लीटर का फ्यूल टैंक है। यामा का जेल वाला लोगो, R15S V3 फ्यूल कैप, की होल पे कवरिंग, E20 वार्निंग स्टिकर, इस टाइप से कुछ आपका ओवरऑल एक अपना ना लेआउट रहने वाला है फ्यूल टैंक का। इस पर भी टैंक पैड आप लोग ना शोरूम से ही परचेज करके इंस्टॉल करवा सकते हो, प्लस USB चार्जिंग पोर्ट भी शोरूम से आप लोग लगवा सकते हो। सीट की बात करते हो तो सीट सिंगल पीस में अपने को मिलती है V3S में, फिर डबल अपना स्प्लिट वाला सीट शुरू हो जाता है V4 से, एक स्ट्रैप आ जाता है पिलियन के लिए, छोटा स्टिकरिंग का पार्ट है, रियर जो अपना फेयरिंग है ये वर्किंग एयर वेंट अपना रहता है, ये सेंटर में काफ़ी कुछ ना मैट ब्लैक वाला पार्ट भी आ जाता है। फुट पैक पे कोई भी रबर कवरिंग ना ही पिलियन के लिए ना ही राइडर के लिए ये अवेलेबल रहेगा। टायर अगर एक पार्ट, टायर अगर ड्यूल पार्ट, रियर सस्पेंशन यहाँ आपको मोनोशॉक मिल जाएगा 7-स्टेप एडजस्टमेंट के साथ, 7 तरीके से रियर सस्पेंशन भी एडजस्ट कर सकते हो। रियर टायर का पैटर्न कुछ इस टाइप से है, और ग्रेडिंग रहने वाली है 140/70R17 पैटर्न ये रहा। रियर डिस्क का साइज़ है 220 mm, 220 mm रियर में डिस्क है, निसिन ब्रेकिंग के साथ। सो यहाँ पे निसिन है, FZ में भी फ्रंट वाइब्री और रियर वाइब्री है, बट V3S में फ्रंट ब्रेकिंग वाइब्री है, रियर ब्रेकिंग निसिन है, तो ये एक चीज़ चेंज हो जाती है। इसमें भी कुछ अपडेट हो सकता है इन फ्यूचर मिल जाए। सेंटर में टेल वाला पार्ट, ये आपको मैट ब्लैक वाला भी एक छोटा पार्ट आ जाता है। ग्रे ब्रेल सच कुछ अवेलेबल है नहीं है, ये एक स्ट्रैप ही अपने को यहाँ पे रहेगा। रियर लाइटिंग सेटअप ऑन है इग्निशन के साथ, नंबर प्लेट बल्ब हेलोजन, इस कलर का नाम है डीप पर्पलिश ब्लू। सो ये अपना कंप्लीट नंबर प्लेट टेल टाइड भी आप लोग ना आफ्टर मार्केट छोटा वाला पार्ट इंस्टॉल करवा सकते हो। अपोजिट साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से रहेगा। साड़ी गार्ड है, ये अपना पार्ट ऑफ टायर, अगर ये रिमूव करेंगे तो साड़ी गार्ड भी रिमूव हो जाएगा। चेन का सेटअप ओपन, क्लीन और ल्यूब करने का इसका ध्यान अपने को रखना रहेगा। सिंगल हेड में गियर लीवर आ जाता है, वही सेम फुट पैक, साइड स्टैंड ही है, सेंटर स्टैंड यहाँ पे नहीं है। बाकी मेटल में बैश प्लेट भी आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हो, प्लस हेलमेट वगैरह भी यहाँ से ले सकते हो, और वो रहा सारा अपना जो एक्सेसरीज वाला पार्ट है, टैंक पैड वगैरह भी ले सकते हो शोरूम से ही, तो ये भी काफ़ी अच्छा एक पार्ट हो जाता है। क्लिप ऑन हैंडल बार है, जिसके साथ बाइक का सिटिंग पोस्चर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है एज़ कम्पेयर टू V4M, यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव सिटिंग पोस्चर हो जाता है, और R3 का तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर रहेगा। सीट हाइट भी कह लो, एक जो बैठने का पूरा तरीका है ना, वो भी R3 का सबसे नेक्स्ट लेवल हो जाता है। अब स्लिप एंड असिस्ट क्लच यहाँ पे मिल जाता है, क्लच का फील नेक्स्ट लेवल लाइट है, रबर कवरिंग भी आ जाता है, ल्यूब्रिकेशन में हेल्पफुल उस चीज़ के लिए। हाई बीम लो बीम प्लस पास 3-in-1 एक स्विच, ये है इंडिकेटर है, इस टाइप से ड्यूल बजर में काफ़ी ज़्यादा लाउड और काफ़ी अच्छे साउंड का होना आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। राइट साइड पे किल स्विच, देन अपना स्टार्टर, चार्जिंग पोर्ट, USB टाइप एसेसरीज आप लोग ले सकते हो, थ्रोटल इस टाइप से। ये रहा आपका बार एंड, ये आपका यहाँ पे एल्यूमिनियम फिनिश में ही रहने वाला है। आप देख लेते हैं MID में क्या कुछ है, पहले MID का स्टार्टअप देखते हैं। सो LCD टाइप क्लस्टर ये रहेगा, जैसे कि सेम FZS V4 में भी रहता है, वो वाला यहाँ पे रहता है, ये MT वाला भी नहीं है, ये FZS V4 में जो सेटअप रहता है ना वो आपको यहाँ पे रहेगा। बस गियर इंडिकेटर यहाँ पे आ जाता है, टैकोमीटर ये रहा, एक अपना क्लॉक है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, यामा की मार्किंग दोनों साइड सारी, एक आप लोगों को वार्निंग लाइट्स मिल जाती है। चेंजेस करते हैं तो पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ट्रिप मीटर है, एवरेज है 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग रियल टाइम एवरेज है, ऑडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप एफ। सो ये सब कुछ यहाँ पर आएगा, ना ही ट्रैक्शन कंट्रोल है, बट एक गियर इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाता है। भाई कुछ ना होने से तो कुछ मिल रहा है उसमें, अभी तो संतुष्टि कर लेते हैं, बट अपडेट की नेक्स्ट लेवल लीड R15S में है तो इसकी सुनवाई करी जाए प्लीज़। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी VS को, V3S को, VS को नहीं, V3S को। सो स्टार्टअप नेक्स्ट लेवल स्मूथ, जैसा कि यामा की सभी बाइक्स में रहता है, फिर चाहे R15 सीरीज़ हो, FZ हो, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्टार्टअप है। ये अपना हेडलैम्प ऑन है, ये हाई बीम लो बीम वाला पूरा सेटअप रहेगा कंपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो कुछ इस टाइप का एग्जॉस्ट नोट अपने को मिल जाता है V3
एस में कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट में ज़रूर से बताना है। अपडेट के लिए एक थम्स अप कमेंट में ज़रूर से कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो भी एक लाइक ज़रूर से कर देना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना। एक राइड रिव्यू और दोबारा से आप लोगों के लिए इस बाइक का आने वाला है, प्लस यामा की अदर बाइक्स का भी बहुत ही जल्दी राइड रिव्यू आप लोगों के लिए आ जाने वाला है। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर भी कर देना जो भी बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। करते वीडियो को एंड और मिलते कल रात 9 बजे अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।